Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 24th of March 2020 and guys, current affairs ka ye lecture aap log dekh rahe hain. Ye lecture sirf un students ke liye hai jo log government examination ki taiyari kar rahe hain aur especially wo log jo log UPSC Civil Services ya kisi bhi state civil services examination ki taiyari kar rahe hain, un logon ke liye mandatory hai is pure lecture ko end tak dekhna. एंड गाइस, इस लेक्चर में हम लोगों ने सभी के सभी न्यूज़पेपर्स की न्यूज को कवर किया हुआ है. इसका मतलब यह है कि इसको लेक्चर को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं. तो सबसे पहले पेपर वन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर टू, फिर पेपर थ्री की न्यूज को कवर करेंगे. सो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर वन की पहली न्यूज से. यहां पर बात हो रही है नवरोज के बारे में. तो देखिए, नवरोज से रिलेटेड अक्सर दो चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. सबसे पहली चीज तो ये नवरोज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पारसियों का ये फेस्टिवल है. ये फेस्टिवल पारसीज मनाते हैं या फिर वो लोग मनाते हैं जो कि ज़ोरास्ट्रियन धर्म को फॉलो करते हैं, या फिर पारसी धर्म को जो है जो लोग फॉलो करते हैं वो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाते हैं, नवरोज फेस्टिवल को. अब ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर का जो पहला दिन होता है, यानी कि पारसियों का जो पहला दिन होता है या फिर पर्शियन का जो कैलेंडर है उसका जो पहला दिन होता है वो नवरोज दिवस के तौर पर मनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो ये पारसी न्यू ईयर है. ठीक है, तो ये दो चीज ही बस आपको ज्यादा अच्छे से याद रखनी, क्योंकि इन दो चीजों से रिलेटेड ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं. बट कुछ और चीजें भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये 3000 साल से ये परंपरा जो है वो नवरोज की हम लोग को देखने को मिल रही है. तो 3000 साल पुरानी ये पारसी परंपरा है या फिर ज़ोरास्ट्रियन ट्रेडिशन, ये हम लोग को 3000 साल पुराना देखने को मिलता है. इसकी शुरुआत होती है जैसा कि मैंने भी आपको बताया था पर्शियन न्यू ईयर से, राइट, यानी या फिर ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर का जो पहला दिन है उससे इसकी शुरुआत होती है, या फिर जो वसंत जो है, स्प्रिंग जो है, जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है तब उस दिन ये नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है. ठीक है, और एक ईरान का एक राजा है जिसका नाम आपको याद रखना है, इस राजा का नाम है जलालुद्दीन मालिक शाह. तो ये राजा जो है गाइस, कहा जाता है कि इसने 1079 AD में नवरोज या फिर न्यू ईयर फेस्टिवल जो है पारसीज का, उसको इंट्रोड्यूस किया था लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए और इनकम वगैरह रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने के लिए. ठीक है, तो ये इस ईरान का एक राजा है, इसने इस फेस्टिवल को जो है इंट्रोड्यूस किया था. बस ये बेसिक चीज बस आप याद रखो. ठीक है, और इंडिया के अंदर हमारी जो पारसी कम्युनिटी है, पारसी समुदाय जो है वो जो लोग पारसी परंपरा को या फिर पारसी धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं उन लोग इस नवरोज फेस्टिवल को जोरों शोरों से मनाते हैं. ठीक है, तो याद रखना पारसी न्यू ईयर है, नवरोज फेस्टिवल, राइट. अब पेपर वन से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था, अब हम लोग पेपर टू के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो देखो गाइस, ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है, राइट. तो फटाक से अभी आपका काम क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन लिखा गया है, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, तो देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को देख लेते हैं. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये जो कानून है गाइस, इसने डिवाइड किया था कंटेम्प्ट को सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तौर पर. तो दो कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट. ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी है. अब सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है गाइस, तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट था अपना, तो और दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो ये विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट. यानी कि अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, अगर कोई इंडिविजुअल अगर कोर्ट के किसी ऑर्डर को नहीं मानता है तो वो सिविल कंटेम्प्ट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है, ना कि ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया था. ठीक है, तो बस आपको ये चीज याद रखनी, सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि जो इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति है अगर कोर्ट के किसी ऑर्डर को नहीं मान रहा है, कोर्ट के कोई डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, जैसे कि आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग की कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शन दिए हैं कि लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे. हालांकि ये सरकार के डायरेक्शंस हैं, आज की डेट में जो कोरोना वायरस का हम लोग को देखने को मिल रहा है ना कि लॉकडाउन जो कर दिया गया है, क्वारंटाइन हो गए लोग, बाग घर के अंदर बंद है, राइट. तो अगर मान लेते हैं अगर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए होते कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, बट अगर लोग बाग घर से बाहर निकल रहे हैं तो लोग जो है वो
कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट को, यानी कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी इस चीज को बस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे लिखा था कि क्योंकि आप जानते हो कि कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है, वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो है वो ये ऑर्डर दिया है और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, राइट। बट कोर्ट का ये ऑर्डर इस प्रकार का नहीं आया है, ये चीज आपको बताना चाहिए, क्योंकि जो जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके द्वारा ये आदेश वगैरह जो है वो पास किए गए हैं क्वारंटाइन के, राइट। कोर्ट ने ये आदेश वगैरह पास नहीं किया है, बट ये अगर कोर्ट आदेश पास करती और कोई इंडिविजुअल कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता तो वो कोर्ट की तोहीन कर रहा है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करेंगे तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट नाम से समझ में आ रहा है क्रिमिनल नेचर का ही है। तो अगर कोई इंडिविजुअल कोर्ट को बुरा भला कहता है, कोर्ट जो है गाइस उसको निग्लेक्ट करता है, उसकी अथॉरिटी को निग्लेक्ट करता है, यानी कि कोई इंडिविजुअल जो है वो बोलता है कि मैं कोर्ट वोर्ट को नहीं मानता और उल्टी सीधी बातें जो है वो कोर्ट के खिलाफ जो है वो करता है पब्लिकेशन के थ्रू, चाहे वो रिटन हो, स्पोकन हो, बाय वर्ड्स हो, बाय साइन हो, राइट। अगर कोई इंडिविजुअल कोर्ट की तोहिन करता है इस प्रकार से, यानी कि लिख कर बोल कर और बोलता है कि कोर्ट की अथॉरिटी को मैं नहीं मानता, तो ऐसे इंडिविजुअल के खिलाफ कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो दायर कर सकती है या फिर उसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेंट की कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, कंटेंट की। तो ये चीज बस आपको याद रखिए। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली वन, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट था, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इंटरचेंजेबल हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है, यहां तक पूरी बातें। अब एक दो चीजें आप और याद रखो, आर्टिकल्स वगैरह जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 129 आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये आर्टिकल 129 के तहत पावर होती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई तोहिन करता है तो कोई इंडिविजुअल के खिलाफ जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट का चार्ज जो है वो लगा सकती है, राइट। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर आती है आर्टिकल 129 से, और आर्टिकल 215 की अगर हम लोग बात करें तो इससे हाईकोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर आती है, राइट, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल हाईकोर्ट की तोहिन करता है तो हाईकोर्ट की तोहिन के लिए हाईकोर्ट जो है वो उस इंडिविजुअल के खिलाफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगा सकती है। और आर्टिकल 142 क्लॉज 2 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो मामले को इन्वेस्टिगेट करें और सामने वाले पर्सन को पनिश करें, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखने वाली बात यह है कि जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि मतलब कोई इंडिविजुअल ने जो है वो कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ जो है वो पब्लिकेशन लिखा पेपर में, राइट, यानी कि जैसे आप लोग जानते हैं कि एडिटोरियल्स वगैरह आप लोग पढ़ते हो तो आप देखते होगे कि कई बार कोर्ट के आदेश जो है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या फिर कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उसको उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जाकर काफी सारे लोग जो है वो आर्टिकल्स वगैरह प्रस्तुत करते हैं या फिर जो चैट शोज वगैरह होते हैं और तो उसमें भी जो है वो बोलते हैं वो लोग कोर्ट के आदेशों के खिलाफ कि कोर्ट ने जो है ये गलत किया है इस प्रकार से। तो देखो गाइस, अगर कोई इंडिविजुअल कोर्ट के आदेशों को गलत बोल रहा है बट पॉजिटिव तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि तोहीन कर रहा है उसकी, मतलब वो बोल रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो अगर कोई सजेशन दे रहा है तो उसके लिए कंटेम्प्ट जो है वो नहीं लगाया जाएगा। तो ये वाली भी चीज एक हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उनने अगर कोई आदेश दे दिया और उसके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म जो है वो किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोर्ट के ऑर्डर का क्रिटिसिज्म हो सकता है बट हाँ गंदे वे में नहीं हो सकता कि आप गाली गलौज कर रहे हो कोर्ट के, बिल्कुल कोर्ट की अथॉरिटी को मानी नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाता है। बट अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर को, यानी कि आप बोल रहे हैं कि नहीं यार ये गलत है, इसकी जगह ये होना चाहिए, राइट, तो इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो वो जो है वो तोहिन नहीं मानी जाएगी, कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है यहां तक बातें? तो आपको ये थोड़ा बहुत एक चीज पता होनी चाहिए जो कि आप मेंस वगैरह में अगर आता है तो आप ये सब मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब इस न्यूज में बात हो रही है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पॉलिसी 2020 के बारे में, रक्षा खरीद प्रक्रिया नीति 2020 के बारे में। तो देखो गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर लूं कि एक ड्राफ्ट पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जब तक चीजें फाइनलाइज नहीं होती, क्लियर नहीं होती, वो आती नहीं है। बट ये वाली चीज हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखेंगे, जिसमें कि हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स उठाएंगे जो कि आप मेंस पे उपयोग कर सकते हैं। अब इस पॉलिसी को रटना नहीं है आपको, इससे रिलेटेड कोई बिल्कुल फुल फ्लेज नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि ये काम की नहीं आने वाली है, क्योंकि ये अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। एक प्रकार का ड्राफ्ट, एक ब्लू प्रिंट है जिससे आपको एक आइडिया लेना है, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के आप अपने मेंस में उपयोग कर सकते हैं। बस ये इस पर्पज के लिए हम लोग को ये ड्राफ्ट पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हैं वो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर लिया, अब शुरू करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट सामने आ गया, तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी किससे रिलेटेड है ये क्लियर हो जाएगा। डिफेंस प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, डिफेंस यानी कि रक्षा, प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदी। तो डिफेंस के प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं अलग अलग कंट्री से, जैसे कि ईरान से, इसराइल से, रशिया से, यूएसए से, अलग अलग कंट्री से हम लोग जो है वो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फ्रांस से,
राइट, जैसे कि मिसाइल परचेज कर ली, फाइटर जेट परचेज कर लिया, सबमरीन परचेज कर ली, जो वेपन्स वगैरह जो है वो परचेज कर लिया। तो ऐसी जो डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग अलग अलग कंट्री से परचेज करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये पॉलिसी है। क्लियर है यहां तक बातें? अब इस पॉलिसी के अंदर हम लोग ने जो चीज जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया है वो है इंडिजीनियस डेवलपमेंट या फिर इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, कि हम लोग को इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, यानी कि हमारी ही कंट्री के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स को, डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको जो है वो सपोर्ट करें। तो इस पर जो है वो फोकस किया गया है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट हम लोग हमारी कंट्री में ही बनाए। तो ये प्रायोरिटी रखिए, इसमें आप मेंस के लिए याद रखिएगा IDDM, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, IDDM में इंडिजीनियस से आई बन गया, डी यानी कि डिजाइन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर, कि हम लोग हमारी कंट्री में ही प्रोडक्ट को डिजाइन करें, उसको डेवलप करें और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इस पर जो है वो प्रायोरिटी रखी गई है। अब इस ड्राफ्ट में जो हाईलाइट किया गया है वो है इंडिजीनियस कंटेंट, जो मैंने भी आपको बताया कि स्वदेशी सामग्री, यानी कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट, जैसे कि ये पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट के अगर मैं चार भाग कर दूं तो 25% के ये चार भाग हो गए, आप जानते हो उसके बारे में, ठीक है, 25, 25, 25, 25। तो अगर मैं बोलूं कि इस प्रोडक्ट का 25% जो है, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका 25% हम लोग हमारी कंट्री में ही बनाएं, राइट, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारी कंट्री के लिए भी और उसकी जो फॉरेन कॉस्ट होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि हम लोग जो है वो सिर्फ ये प्रोडक्ट के तीन पार्ट्स मंगाएंगे और एक पार्ट जो है वो इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है वो काम चलता है, जिससे कि हम लोग जो है वो कॉस्ट कटिंग भी करें और हमारी कंट्री को डिफेंस जो है मतलब इक्विप्ड बना लें, कि हमारे हम लोग को जो है वो दूसरों से डिफेंस प्रोडक्ट में किसी की सहायता ना लेनी पड़े कंप्लीटली 100%ली। क्योंकि आप जानते हो गाइस कि अगर हम लोग जो है वो पूरी की पूरी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तब क्या होगा, हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अगर बाय चांस इनिशियल लेवल पर अगर हम लोग को किसी चीज की आवश्यकता पड़ी और फॉरेन कंट्री ने देने से मना कर दिया, तब तो हम ना घर के रहे ना घाट के रहे, है ना। तो इसीलिए इंडिजीनियस डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना रहता है। ये अक्सर हम लोग को वर्ल्ड वॉर के समय पे या फिर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिस समय कि हम लोग को जो है वो बाहर से सहायता नहीं मिल पा रही है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के केस की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल विजिट सब कुछ बंद हो चुका है, राइट। तो अभी ये मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, इस समय हम लोग बाहर से कोई सामान नहीं मंगवा सकते और अगर हमारी कंट्री के अंदर ही पर्याप्त मात्रा नहीं होगी, हमारी कंट्री ही वेल सफिशिएंट फुलफिल्ड नहीं होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तब क्या होगा, हम लोग की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट। तो ऐसी गंभीर स्थिति ना डेवलप हो इसलिए इंडिजीनियस डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। तो इसलिए आप ये भी मेंस में उपयोग करेंगे कि वाई इंडिजीनियस डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिजीनियस डेवलपमेंट जो है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को क्लियर रखनी है, तो इसीलिए जरूरी होता है। तो ये इंडिजीनियस कंटेंट की जो बात की जा रही है, तो इसमें से जैसे कि एक प्रोडक्ट है उसके चार पार्ट्स हैं, तो उसमें अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ परसेंटेज जो होता है वो सुनिश्चित किया जाता है कि यार ये एक प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो इसका कुछ परसेंटेज जो होगा वो इंडिया में बनाया जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि 10% से जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है इंडिजीनियस कंटेंट को, कि अगर हम लोग फॉरेन से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो उसका 10% से ज्यादा, यानी कि जो पहली बारी पॉलिसी में जितना परसेंट था उससे 10% ज्यादा जो है वो इंक्रीज करके अब हम लोग को नई पॉलिसी में देखने को मिलेगा, राइट। अब ये कितना था, कितना इंक्रीज होगा, तो वो उस पर आपको अभी जाना नहीं है, आपको बेसिक चीजें बस याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा लीजिंग का एक नया कंसेप्ट जो है वो लाया गया, एक नई कैटेगरी लाई गई। लीजिंग का मतलब क्या होता है, रेंट पे लेना किसी चीज को, लीज पे लेना, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा बड़ा प्रोडक्ट है या फिर कोई महंगा प्रोडक्ट है उस पर एकदम से इन्वेस्ट करने की जगह अब हम लोग उसको रेंट पे ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रशिया से हम लोगों ने काफी सारी सबमरीन जो है वो लीज पे ली हुई है, राइट। तो इसी प्रकार की चीजें इसके अंदर अब नई ड्राफ्ट पॉलिसी में ऐड की गई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और नई कैटेगरी हम लोग को देखने को मिल रही है, ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो इसमें बताया गया कि मिनिमम 50% इंडिजीनियस कंटेंट जो है वो इंडिया के अंदर बनाया जाएगा, यानी कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अगर हम लोग बनाने में सक्षम है तो उसका 50% एटलीस्ट जो है वो हम लोग इंडिया में बना लें। फिर आने वाले समय में कोशिश तो ये है कि 100% हम लोग जो है वो बनाना शुरू करें, बट एकदम से नहीं हो पाएगा ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि कंप्लीटली मतलब जो है वो वेरी करती है टेक्नोलॉजी के मामले में और काफी सारी चीजों के मामले में, राइट। तो वो एकदम से नहीं हो सकता, उसको धीरे धीरे करके हम लोग को बढ़ाना है, राइट। जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम एक दिन में क्लियर नहीं होता, पूरे एक साल की, डेढ़ साल की प्रोसेस होती है, राइट। तो वैसे ही कि धीरे धीरे करके हम लोग को टारगेट जो है वो सेट करके ऊपर आना है। जैसे कि आप डेली टारगेट सेट करते हो, आप डेली टारगेट सेट करोगे तो आपका वीकली टारगेट फिनिश हो जाएगा, वीकली टारगेट फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद फिर मंथली फिनिश हो जाएगा, फिर ईयरली फिनिश हो जाएगा, फिर एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे करके स्टेप चढ़नी है, एकदम से स्टेप नहीं चढ़नी है, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे कि हम लोग जो है वो पूरी तरह से क्यों इंडिया में नहीं बना रहे, क्यों हम लोग 50% कर रहे हैं, 100% क्यों नहीं कर रहे। कई बार ऐसी चीजें इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, तो अपन को ऐसे अपने माइंड को ओपन रखना है, क्लियर है यहां तक पूरी बात है।
अब देखो इसमें वारंटी भी एक रखी हुई है कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट, पहले के समय पे 3 साल तक की वारंटी दी जाती थी प्रोडक्ट के ऊपर, अब 3 से लेकर 5 साल तक की वारंटी हम लोग को प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस वेरिएशन क्लॉज भी यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ या उससे ज्यादा की है या फिर 60 महीने के बाद जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, तो इस केसेस में प्राइस वेरिएशन क्लॉज भी इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि देखो क्या होता है इसकी सामानों की कीमत बढ़ती घटती रहती है, राइट, कीमत जो है वो स्टेबल नहीं रहती, तो इसलिए ये वाला क्लॉज लाया गया जिससे कि हम लोग जो बढ़ती घटती कीमतों पर जो है वो थोड़ा सा टैपिंग कर सकें, राइट, उस पर जो है वो निगरानी रख सकें, तो इसलिए प्राइस वेरिएशन क्लॉज भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो ये कुछ चीजें थी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड जिसको आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ उतनी ही चीजें याद रखनी जो मैंने भी आपको बताई है जिसको आप मेंस वगैरह में उपयोग कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 का, तो 8वां ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। टोटल 156 कंट्रीज को रैंक किया गया है, और ये रैंकिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स हैं वो कितने खुश हैं, उनकी खुशी का लेवल जो है वो कितना है, उस चीज को मेजर किया जाता है, और फिर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है। और ऑलरेडी इसने अभी पहले 7 जो है वो हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज कर चुकी है और ये 8वीं रिपोर्ट है, तो पुरानी रिपोर्ट की एनालिसिस करी इन्होंने और ये चीज कंफर्म किया कि लोगों की पुअर मेंटल हेल्थ बढ़ती जा रही है, लोगों का काफी कम स्कोर हम लोग को सब्जेक्टिव वेलबींग में देखने को मिलता है, और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि लोग जो है वो गवर्नेंस से और लॉ एंड ऑर्डर से खुश नहीं है, यानी कि सिटीजन जो है वो अपनी कंट्री के कंट्री की गवर्नमेंट गवर्नेंस जो सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उससे खुश नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से खुश नहीं है, हाई इनकम लेवल्स होने के बावजूद भी, यानी कि जिन लोग की हाई इनकम है देन टू दे आर नॉट हैवी बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है इस रिपोर्ट की एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो उसने प्रीवियस ईयर्स में जो देखी है, राइट। इसके अलावा इस रिपोर्ट में फिनलैंड की रैंकिंग सबसे टॉप नंबर 1 पर है, और लगातार 3 सालों से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फिनलैंड जो है वो टॉप नंबर 1 पर है हैप्पीनेस के मामले में, और इसके अलावा स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया जिसको नॉर्डिक स्टेट्स भी बोला जाता है, तो ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं तो ये मतलब टॉप 10 में हम लोग को देखने को मिल रही है, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो 144 हम लोग को देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम के बारे में, तो देखो गाइस सर्वेलांस का मतलब क्या होता है, निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, और नाम से जन में आ रहा है डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत जो बीमारी होती है, डिजीज जो होती है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि डिजीज कितनी तेजी से फैल रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, राइट। तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से डिजीज को जो है वो मॉनिटर किया जाता है, डिजीज की निगरानी रखी जाती है कि कितनी तेजी से डिजीज जो है वो फैल रही है, बढ़ रही है, राइट। तो वो इस प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि जो आउटब्रेक होता है, जो जैसे महामारी, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना वायरस की देख रहे हैं, COVID-19 की देख रहे हैं, राइट, तो इसमें क्या हो रहा है, डिजीज जो है वो तेजी से फैलती जा रही है, तो डिजीज किस किस जगह पर, किस किस लोकेशन पर फैल रही है, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, राइट, कितने लोगों की मौत हो रही है, तो इसका जो डेटा जो तैयार होता है वो किसके थ्रू होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 2004 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के थ्रू, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग को अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में जो निमोनिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी भी जो है वो टेस्टिंग करवाई जा रही है COVID-19 की, राइट। अब जितने भी निमोनिया के केसेस, निमोनिया के पेशेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, राइट, तो उनको तुरंत जो है वो उनका टेस्ट कराया जा रहा है कोरोना वायरस का, क्योंकि इटली के अंदर स्टार्टिंग में जो है देखने को मिला था कि काफी सारे लोग जो थे जिनको निमोनिया हुआ था तो उनको भी कोरोना वायरस जो है वो हो चुका था, यानी कि वो निमोनिया वाले जो सिम्टम्स थे वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स के तौर पर सेम ही देखने को मिल रहे थे, यानी कि जिन लोग को निमोनिया हुआ था वो लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस जो है वो नजर आ रहे थे। तो इसलिए कहा गया कि हमारे यहाँ अगर हम लोग जैसे कि कोरोना वायरस को निग्लेक्ट ना कर दें निमोनिया कहकर, राइट, यानी कि किसी को निमोनिया है और हम उसका निमोनिया का इलाज करा रहे हैं और वो इंडिविजुअल जो है वो इधर उधर घूम रहा है और उसके कारण जो है वो दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहा है, राइट, तो ऐसी गलती ना हो इंडिया के अंदर जो कि इटली में हुई थी, तो इसलिए हम लोग जो है वो तुरंत निमोनिया के पेशेंट्स को भी कोरोना वायरस का टेस्ट करवा रहे हैं, राइट, कि जिससे कि ये बीमारी और तेजी से ना फैले। बट आपको मेनली किस पे ध्यान रखना है, IDSP के ऊपर, जो कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो चेक किया जाता है कि किन किन इंडिविजुअल को कितनी बीमारी, मतलब कितनी तेजी से स्टेट्स में या फिर डिस्ट्रिक्ट में किसी एरिया में बीमारी फैल रही है, राइट, और डेटा बनाया जाता है कि कितने लोग की मौत हो गई, कितने लोग संक्रमित हो गए, राइट। तो ये पूरा किसके तहत होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब इसमें जो है वो सर्वेलांस यूनिट सेटअप किए गए हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जो है वो सेंट्रल लेवल पर,
और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि लोग जो हैं ऑफिसर्स वगैरह जो हैं सर्वेलांस के लिए मॉनिटरिंग पर्पस के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम हम लोग को देखने को मिलती है और दूसरे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ भी हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे डिजीज को जो है वो सर्वेलांस करना है, मॉनिटरिंग करनी है, निगरानी रखनी है डिजीज की, राइट। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू देखने को मिलती है। यहां पर फोकस किया जाता है कि पब्लिक हेल्थ लैब्स जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है कोई इंडिविजुअल अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, जैसे कि किसी को अगर कोई डिजीज हुई है तो उस डिजीज की डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो जाए, पता लग जाए, तो इसलिए पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरीज को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसमें फोकस किसके ऊपर किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा जूनोटिक डिजीज के ऊपर, तो उसको लेकर इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन किया जाता है। हमारी कंट्री के अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है, मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह, हमारी कंट्री के बड़े बड़े जो लैब्स हम लोग को देखने को मिलती है, नॉट इवन पब्लिक सेक्टर की लैब बल्कि प्राइवेट सेक्टर की लैब्स, क्लिनिक्स वगैरह, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है स्पेशली जूनोटिक डिजीज के लिए। और कोरोना वायरस क्या है, एक जूनोटिक डिजीज है, जानवर से होकर आई है, यानी कि निकल कर आई, तो ये जूनोटिक डिजीज होती है, जैसे कि इबोला वायरस। कुछ देर पहले मैंने आपको जूनोटिक डिजीज के बारे में भी पढ़ाया था, आपको याद रहा होगा, तो राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है IDSP से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है महात्मा गांधी बंकर बीमा योजना के बारे में। तो ये स्कीम जो है गाइस, किसकी स्कीम है, नाम से ही समझ आ रहा है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है। ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि लाइफ, एक्सीडेंटल या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराएगी। इसके बेनिफिशियरी कौन होने वाले हैं, हैंडलूम वीवर्स या वर्कर्स, वो लोग जो कि हैंडलूम बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। तो दूसरी चीज आप याद रखिएगा, पहली चीज तो ये इंश्योरेंस स्कीम है, दूसरी बात ये हैंडलूम वीवर्स या वर्कर्स के लिए है, और ये उन लोगों के लिए है जिन उन हैंडलूम वीवर्स या हैंडलूम वर्कर्स के लिए जिन लोग की उम्र 51 से लेकर 59 ईयर्स की हम लोग को देखने को मिलेगी। और कौन सी मिनिस्ट्री जो है स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय। तो ये चीज मिनिस्ट्री अच्छे से याद रखो, क्योंकि कई बार मिनिस्ट्री से आपको कंफ्यूज कर दिया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें LIC भी इन्वॉल्व है, यानी कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को जो देखने को मिलती है तो वो जो है वो क्लेम के बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर क्लेम करते हैं तो क्लेम का बेनिफिट LIC के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो LIC आपको याद रखना, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, DBT के थ्रू डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो भेज दिए जाएंगे, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इस स्कीम के बारे में, महात्मा गांधी बंकर बीमा योजना। अब IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 की बात हो रही है यहां पर। तो 5 IITs हैं गाइस, जिनका जो है सूरत, भोपाल, बघलपुर, अगरताला और रायचूर। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के ऊपर सेटअप किए गए थे, अब इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में डिक्लेयर किया जा रहा है। और एक बार इन इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो फिर ये डिग्री और डिप्लोमास भी दे सकेंगे। आज की रेट में इन इंस्टीट्यूट्स के पास पावर नहीं है डिग्री और डिप्लोमा देने की, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है वो एज अ सोसाइटी की तरह रजिस्टर किए गए थे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, और अब जब ये बिल पास हो गया है तब उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये डिग्री और डिप्लोमास भी दे सकेंगे। और साथ ही साथ इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके एक्सपेंसेस के लिए 50% कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 35% और इंडस्ट्रीज 15% कंट्रीब्यूट करेगी इंस्टीट्यूट्स के एक्सपेंसेस के लिए। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये बिल देखने को मिला। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है टेक फॉर ट्राइबल्स। तो देखो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ट्राइफेड ने INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की पार्टनरशिप के साथ। और इस प्रोग्राम के की फीचर की बात करें गाइस, तो इस प्रोग्राम जो है ये सपोर्ट किया जा रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा, और इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 5 करोड़ ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं गाइस, जो कि इन्वॉल्व हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स की कैटेगरी में, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, यानी कि जो जंगल का जो एरिया है वहां पर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उनको एक एंटरप्रेन्योर में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, राइट। और इनको प्रधानमंत्री वंदन योजना के तहत जो है वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी और इसकी के तहत इनको ट्रेन किया जाएगा। और ट्रेनी जो है गाइस, इनके लिए 30 डेज का एक प्रोग्राम होने वाला है जिसके तहत उनको काफी सारे कोर्सेस सिखाए जाएंगे। बेसिकली कोर्सेज कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो भी लोकली अवेलेबल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है या फिर प्रोडक्ट्स जो है, राइट, तो उसमें वो कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर सकते हैं, तो उनको ये सब स्किल्स वगैरह सिखाई जाएगी, अलग अलग चीजें उनको पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस के थ्रू या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें, राइट। तो उसके बारे में उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ये सिंपली बस ये चीज आप याद रखो इसके बारे में। अब हंटिंगटन डिजीज के बारे में यहां पर बात हो रही है, हंटिंगटन डिजीज।
तो देखो गाइस, ये डिजीज जो है एक मेंटल डिसऑर्डर डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि पीढ़ी बाय पीढ़ी चली जाती है। जैसे कि पापा मम्मी को अगर डिजीज होगी तो बच्चे को भी होने की संभावना है। और बाय चांस जैसे कि जेनेटिक डिजीज के अंदर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है ये। तो ये जेनेटिक डिजीज होती है वो डीएनए में होती है, ठीक है। और डीएनए जो है गाइस, वो जैसे कि आप जानती होगी कि डीएनए जो होता है वो मतलब पेरेंट का मदर में ट्रांसफॉर्म होता है। कंप्लीटली नहीं बैठा उसका कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ हिस्सा, क्योंकि आप जानते होगी जैसे कि पेरेंट्स है उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, उनके जो बच्चे हैं उनकी शक्ल, उनकी हरकतें उनके बच्चों से मिलती है, राइट। तो इसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे दादा दादी हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि दादा दादी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं या फिर कुछ उनके जो मतलब चेहरे की बात करें या फिर हल्के फुल्के एक्सप्रेशन की बात करें तो कुछ कुछ चीजें जो है वो पोते में मिल जाती हैं, राइट। तो ऐसी चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती है, पोते पोती में मिल जाती हैं। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फादर मदर है, ठीक है, अब उनके बेबी हैं तो क्या पता ये डिजीज उनके बेबीज को ना हो, बट उनके बेबी के बेबी को जो है वो हो सकती है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर इस प्रकार से चलता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पापा मम्मी को हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को ही होगी, और अगर बच्चे को नहीं हुई तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके बच्चे को नहीं होने वाली, उनके बच्चे को हो सकती है क्योंकि ये जेनेटिक है, ये प्रॉपर डीएनए के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि मेंटल हेल्थ को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, खराब करता है, ब्रेन को जो है ये अफेक्ट करता है। इसमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं, इंसान जो है वो कहीं पर भी बिना सोचे समझे चलने लगता है, उसका हाथ जो है वो एकदम से हिलने लगता है, उसकी यानी कि उसके मूवमेंट के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर उसका कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पाता। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस एबनॉर्मलिटी में, राइट, या फिर इस डिजीज के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें मूड स्विंग्स होने लगते हैं, एकदम से हंसने लगेगा कोई इंडिविजुअल या रोने लगेगा, पर्सनालिटी चेंज होने लगती है, डरने लगते हैं। कई बार जैसे किसी को ये डिजीज हो गई तो उसके आसपास में कोई बैठा होगा और एकदम से वो सामने वाला हंसने लगे या रोने लगे तो सामने वाला जो डर के मारे भाग जाएगा, उसकी पर्सनालिटी बेसिकली चेंज हो जाती है। कभी कभी जो है वो अपने आप को कुछ और समझने लगते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। तो ऐसी चीजें हम लोग को इस हंटिंगटन डिजीज में जो है वो देखने को मिलती है। और ये होती किससे, एक जीन के चलते होती है जिसका नाम है HTT, राइट। और HTT जीन जो है वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। और इस डिजीज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, ब्रेन में प्रोटीन का लेवल लो हो जाता है, क्योंकि तो आप जानते हो कि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्थ के लिए, राइट। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का लेवल लो कर देता है ये, क्योंकि इसमें HTT जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और अभी साइंटिस्ट ने पाया है कि एक पैथोजेनिक प्रोटीन है जिसको हंटिंगटन प्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये पूरी बॉडी का प्रोटीन है, हर एक सेल जो है उसका प्रोटीन रिड्यूस कर देता है, तो ये पूरी बॉडी पे जो है इफेक्ट करता है। तो ये चीज यहां पर बताई गई, हालांकि इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो साइंटिस्ट जो है गाइस, ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे के अंदर हम लोग को देखने को मिले हैं, जिन्होंने जो है ये बताया है कि ये पूरी बॉडी के प्रोटीन जो है, पूरे सेल्स जितने भी है हमारी बॉडी में, उसके ओवरऑल प्रोटीन को जो है वो डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई। तो हालांकि इतना डिटेल में आप लोग को नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज। मेनली जो है वो आपसे ज्यादा इस हंटिंगटन डिजीज क्या होती है यही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब इंडिया VIX इंडेक्स की यहाँ पर बात हो रही है गाइस, तो देखो VIX इंडेक्स, इसमें सिंपल बस आप ये याद रखो कि जैसे ही इंडिया VIX इंडेक्स आता है तो आपका आपका दिमाग चलना चाहिए शेयर मार्केट की तरफ, राइट। तो ये क्या करता है, ये शेयर मार्केट जो है वो कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा उसको उसकी फोरकास्टिंग करता है, उसको मेजर करता है। ये देखता है कि अगले 30 दिनों के अंदर Nifty 50 जो है वो कितना आगे बढ़ेगा या कितना इसमें फ्लक्चुएशन या रिडक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और ये बेसिकली रिस्क की कैटेगरी में हमेशा हम लोग को नजर आता है VIX इंडेक्स, तो ये रिस्क शो करता है कि कितना रिस्क है, राइट। यानी कि अगर किसी को शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाने हैं तो वो जो भी इंडिविजुअल जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, तो वो और निफ्टी 50 के अंदर, तो वो इस VIX इंडेक्स को जो है वो जरूर देखते हैं, ठीक है। और अभी जो है वो आप जान ही रहे हो कि कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल ही रहे हैं, और शेयर मार्केट में जो है वो गिरावट नजर आती ही जा रही है हम लोग को। अगर आप बिजनेस सेक्शन थोड़ा बहुत भी देखते होगे तो आपको एक आइडिया पता होगा इसके बारे में। तो यही कहा गया कि वोलेटिलिटी जो है वो 7% से कम आज की रेट में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और ये पता लगा इंडिया VIX इंडेक्स के तहत। तो बस सिंपल बस याद रखो कि इंडिया VIX इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50 के जो जितने भी ट्रेडिंग वगैरह जो होती है उसकी फोरकास्टिंग करता है, और ये रिस्क कैटेगरी को जो है वो शो करता है, राइट, कि कितना रिस्क है। अब बात हो रही है व्हाइट फ्लाइज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन के बारे में। तो देखो गाइस, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा एक कॉटन बनाया गया है जो कि व्हाइट फ्लाइज रेजिस्टेंट है, यानी कि इस कॉटन में, यानी कि कॉटन क्रॉप में व्हाइट फ्लाई जो है वो लगेंगे नहीं, क्योंकि व्हाइट फ्लाई जो है गाइस वो सबसे ज्यादा बुरी तरह से कॉटन क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। और कहा गया है कि 2015 में पंजाब के अंदर 2/3 कॉटन क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गए थे इस व्हाइट फ्लाईज के चलते, यानी कि अब एक नई क्रॉप की वैरायटी बनाई गई है लखनऊ के NBRI के द्वारा,
जिस कॉटन की क्रॉप में या फिर कॉटन वैरायटी के अंदर हम लोग को ये व्हाइट फ्लाईज जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो व्हाइट फ्लाईज रेजिस्टेंट क्रॉप जो है ये तैयार किया गया है लखनऊ के NBRI के द्वारा, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। अब वर्ल्ड स्पैरो डे की बात हो रही है, तो 20 मार्च को ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है स्पैरो से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि स्पैरो जो है उसको प्रोटेक्ट करो। और ये पहली बार 2010 में सेलिब्रेट किया गया था और स्पैरो का साइंटिफिक नेम जो होता है वो है पैसर डोमेस्टिकस, और IUCN की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंटेंट कंसर्न कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलते हैं। और स्पैरो जो है वो स्टेट बर्ड है बिहार और दिल्ली की, तो ये चीज बस आप थोड़ा सा याद रखो। और स्पैरो काफी जो है वो कॉमन स्पीसीज हम लोग को बर्ड की देखने को मिलती है, जो कि आप अपने घर के बाहर देखोगे तो आपको दिखाई दे ही जाएगी, ये वाली काफी कॉमन होती है, ठीक है, स्पैरो वगैरह। बट हालांकि हाँ, आज की डेट में इनकी जो संख्या जो है वो कम होती जा रही है, राइट। और बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे गाइज, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल है तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको ऐसा होमवर्क दूंगा जिनको आपको प्रिपेयर करना है। बट होमवर्क कंप्लीट करने से पहले एक नोटिस दिया गया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इसको आप एक बार रीड कर लो। पहला होमवर्क है, पढ़िए प्रधानमंत्री वंदन योजना के बारे में, और स्पेशली वंदन विकास केंद्र क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। ट्राइफेड के बारे में आपको पढ़ना है, पहले कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। G7 समिट के बारे में भी आपको पढ़ना है, अभी रिसेंटली G7 समिट जो है वो गाइज वो जो कि USA में होने वाली थी, USA जो था वो इस साल का G7 समिट का होस्ट हम लोग को देखने को मिला था। बट क्या हुआ था, हम लोग को देखने को मिला कि कोरोना वायरस के चलते, COVID-19 क्राइसिस के चलते जो है वो G7 समिट जो है वो हो नहीं पाएगी USA में, क्योंकि आना जाना सबका बंद कर दिया गया है। तो इसलिए ट्रंप ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो G7 समिट जो है वो कंडक्ट की जाएगी। और तो G7 समिट क्या है आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ये पहले जो है वो G8 समिट के नाम से जानी जाती थी, बट अब रशिया हट गया तो अब ये G7 समिट के नाम से हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें ये भी आप थोड़ा पढ़िएगा कि रशिया क्यों हटा, राइट, रशिया को क्यों निकाला बेसिकली, तो ये भी एक चीज जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड पढ़िए, नोट्स बनाइएगा। इसके अलावा लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा कोरम क्या होता है, हाउस में जो कोरम जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कुछ मेरे ख्याल से डेढ़ एक महीने पहले ही, एक या डेढ़ महीने पहले ही हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कलर कोडेड वार्निंग जो है वो रिलीज करती है, कलर के थ्रू जो है वो वार्निंग बताती है, तो उसमें ग्रीन येलो ऑरेंज रेड कलर्स होते हैं, तो ये ग्रीन येलो ऑरेंज रेड कलर जो है वो उसके क्या क्या मतलब होता है, तो ये थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। तो ये पूरी चीज मैं हालांकि आप लोग को पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, और ये बस आपके लिए होमवर्क है, इनसे रिलेटेड आपको नोट्स बनाने हैं अपने पास, राइट, नोट्स प्रिपेयर करके रखने। और ऑलरेडी अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर लिए आपने अपने पास इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इन नोट्स को उठाइए, रिवाइज कीजिए, और अगर आप प्रिपेयर कर लो, रिवाइज कर लो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और बस इतना ही था आज का लेक्चर, और रही बात इस लेक्चर की PDF की, तो इसकी PDF भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।